नमस्कार, मैं राव शपातली। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश माँ गंगा के ऊपर। दरअसल माँ गंगा महज एक नदी नहीं है, माँ गंगा भारत की पहचान है और करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र भी है। लेकिन खुदगर्ज इंसानों ने माँ गंगा को बेहताशा प्रदूषित कर दिया। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए लेकिन गंगा को साफ और स्वच्छ नहीं किया जा सका। लेकिन कुदरत ने एक फैसला लिया कि आज इंसान अपने घरों में कैद है और माँ गंगा अब अपने पुराने और साफ स्वच्छ स्वरूप में लौटती नजर आ रही है। हम दिखाएंगे आपको गंगा के घाटों की वो तस्वीरें जहां लाखों की संख्या में कभी लोग रहते थे, लेकिन अब वो गंगा घाट खाली पड़े हैं और अब माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में लौटती नजर आ रही है। हम मिलवाएंगे आपको जो गंगा के ऊपर शोध करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, पहले के जल में और अब के जल में कितनी शुद्धता आई है। लेकिन उससे पहले आप कर लीजिए माँ गंगा के दर्शन। इस वक्त हम खड़े हैं मशहूर हर की पौड़ी पर, जहां करोड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन आज यहां कोई नजर नहीं आता। और यही वजह है कि अब माँ गंगा यहां साफ और स्वच्छ बहती हुई, कल कल बहती हुई नजर आती हैं। तो आप कर लीजिए मेरे साथ माँ गंगा के दर्शन और आचमन। जय गंगे मैया। तो चलिए सफर को शुरू करते हैं और अब अलग अलग घाटों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि जो पहले में और अब में माँ गंगा का जो जल है कितना शुद्ध हुआ है। गोमुख से लेकर गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर का सफर और इस सफर में कई राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए जीवनदायिनी का गंगा सागर में मिल जाना, यह है कुदरत का एक अद्भुत नजारा। कुदरत से मिली इस अनमोल सौगात का नाम है माँ गंगा। माँ गंगा युगों युगों से मानव जाति का उत्थान करती, खेत खलिहानों को सींचती, इंसानों के पाप धोती, गंगा अपने प्राचीन स्वरूप को खो बैठी। गंगा इतनी प्रदूषित हो गई कि जल आचमन के लायक भी नहीं बचा। गंगा की इस हालत का जिम्मेदार है मानव। सरकारों ने गंगा स्वच्छता पर कई योजनाएं बनाई, अभी तक अरबों खर्च कर डाले, लेकिन गंगा को उसका साफ स्वच्छ कलकल बहता स्वरूप नहीं लौटा पाए। लेकिन कहते हैं कि कुदरत के फैसले के सामने इंसान बौना होता है। कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन का होना, अब इंसान अपने घरों में कैद है और गंगा फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगी है। क्या आप गंगा जल साफ स्वच्छ नजर आने लगा है? इसमें कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए खबरें अभी तक की टीम ने गंगा से जुड़े इन तमाम तथ्यों और घाटों का रुख किया। पर्वतों से निकलकर गंगा का पहला मैदानी पड़ाव होता है ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद सबसे बड़ा दूसरा पड़ाव धर्मनगरी हरिद्वार, जहां हर की पौड़ी और तमाम घाटों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। खबरें अभी तक की टीम पहुंची हरिद्वार। हर की पौड़ी पर जहां सच में गंगा आईने की तरह साफ बहती नजर आई, यहां मिले कुछ स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। लाखों लोगों की भीड़ माँ गंगे पे रहती थी और लोग स्नान करते थे यहाँ, लेकिन अब कोई भीड़ नहीं है यहाँ।
इसलिए माँ गंगे साफ है। और ये सब हमारे माँ, क्योंकि अभी तक गंगा परियोजना पे माँ नमामि गंगे पे हमारी सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक माँ गंगा का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है, जो स्वरूप माँ गंगे का अब देखने को मिल रहा है, जो इस लॉकडाउन के कारण देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो माँ गंगे हैं बिल्कुल साफ स्वच्छ हैं, क्योंकि लोगों का आगमन बिल्कुल बंद हो गया हरिद्वार में, इस वजह से ये रूप देखने को माँ गंगे का मिल रहा है। आज पहली बार मेरे को माँ गंगा का इतना साफ स्वरूप देखने को मिल रहा है, कभी आज तक इतनी स्वच्छ निर्मल नहीं देखी। ये लॉकडाउन के चलते कितने माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में वापिस लौटती भी आ रही है। पहले किस तरीके से आपने भी देखा होगा गंगा मैया किस तरीके से दूषित जल चल रहा था, आज आचमन करने योग्य भी है, साफ सुथरा है। आप इसकी निर्मलता भी इससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं। गंगा मैया के अंदर जो बीच में पत्थर वगैरह है वो सब आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। कितने भी इतना समय हो गया माँ गंगा की सफाई के लेकर, स्वच्छता को लेकर दुनिया भर के अपना आयोजन चलते रहे, सरकारों ने हर तरीके की अपनी कोशिशें करी, मगर कभी इतने अच्छे स्वरूप में माँ गंगा नहीं आ पाई। आज माँ गंगा अपने पुराने स्वरूप में, कहते प्रकृति अपना पुराना स्वरूप वापस वैसे ही ले लिया, तो वही है ना माँ गंगा का, आप भी देख सकते किस तरीके से है। हरिद्वार हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड और तमाम गंगा घाट जहां करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते थे, लॉकडाउन के चलते आज तमाम घाट सूने पड़े हैं, मगर इस सूनेपन में गंगा ने खुद को समार लिया। अब जो बहता जल इतना साफ दिखाई दे रहा है, कभी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पानी की शुद्धता और गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए गंगा पर रिसर्च कर रहे लोगों से भी जानना जरूरी था कि आखिर गंगा का जल कितना साफ हुआ है। अब हमने रुख किया उन एक्सपर्ट्स का जिन्होंने हमें बताया कि पानी के भीतर टीडीएस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, डीओ की मात्रा कितनी होनी चाहिए शुद्ध पानी के भीतर, और बीओडी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। दरअसल सीधी भाषा में अगर आप समझें तो जो आरओ का पानी हम इस्तेमाल करते हैं घर में, उसकी शुद्धता कितनी होती है, उसका पैमाना क्या होता है, यानी टीडीएस टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा कितनी होती है, और डीओ की अगर बात करते हैं तो डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिसॉल्व्स की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो हम उन एक्सपर्ट से ये राय जानने के लिए पहुंचे कि पहले और अब में माँ गंगा के इस जल में कितना अंतर आया है। कई स्थानों पर गंगा जल में जैविक ऑक्सीजन मान यानी बीओडी का स्तर पहले की तुलना में कम हुआ है। जल में टीडीएस मात्रा और ऑक्सीजन की मात्रा अब कितनी है, इसके लिए गंगा के रिसर्च स्कॉलर ने हमें लाइव परीक्षण करके दिखाया। इससे सिद्ध होता है कि नदी जल की गुणवत्ता बेहतर हुई है। इन दोनों मानकों पर गंगा के जल की गुणवत्ता पहले से सुधरी है। गंगा पर रिसर्च करने वाले ईशान शर्मा से विस्तार से बात भी की। इन दिनों गंगा जल की गुणवत्ता कैसी है, उसकी शुद्धता कैसी है, ये जानने के लिए हम जो रिसर्च स्कॉलर हैं शांत शर्मा, उनके पास पहुंचे कि हाल फिलहाल जो गंगा जी हैं वो किस तरह से कि पहले के मुकाबले अभी शुद्ध हो पाई है, और जो पानी है पीने का नदी का गंगा का वो पीने लायक है या नहीं है। हमारे साथ ईशांत शर्मा हैं जो शोधकर्ता भी हैं और रिसर्च स्कॉलर भी हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार।
चाहेंगे कि अभी देखा जा रहा है कि गंगा पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा शुद्ध नजर आती है, तो थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि पानी, जो नदी का पानी है, उसमें पहले में अब में क्या फर्क है? जी देखिए, जो नदी का पानी रहता है जनरली हम उसे डायरेक्टली पीते नहीं है, वो पहले हमारे बहुत सारे प्योरिफिकेशन प्रोसेस से होकर हमारे घरों में आता है। लेकिन हाल फिलहाल में जितनी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी हैं या देखी हैं, तो ये पता चल रहा है कि गंगा का जल है जो पहले बी क्लास में आता था, वो कितने सालों बाद अब ए कैटेगरी में आ रहा है। इसका कारण ये है कि जो पोल्यूशन कम हुआ है लॉकडाउन की वजह से, उससे क्या हुआ है कि अगर आप देखें तो पानी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो उसको उसकी नापने के लिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है, अलग अलग के टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, उसमें आप देख सबसे पहले चीज़ देखते हो कि पानी का जो कलर है, जो पानी आप पी रहे हैं वो देखने में क्या ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अगर पानी ट्रांसपेरेंट है तो ये एक उसका होता है मापदंड होता है उसको बताने का। अगला होता है कि ओडर, कि पानी जब आप सूंघते हैं तो क्या उसमें किसी तरह की स्मेल या वो तो नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो यानी कि पानी शुद्ध है। ऐसे ही अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो हम फिजिकली हम साइट पे भी चेक कर सकते हैं। उनमें से एक टेस्ट होता है जैसे टीडीएस यानी कि टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। टोटल डिजोल्व सॉलिड पानी के अंदर कितने भी मिले हुए तरह के छोटे छोटे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या मात्रा है इसके अंदर, उसे नापने का एक तरीका होता है। तो दो तरह के पोल्यूशन होते हैं जो हम गंगा में देखते हैं। एक तरह तो क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है जो आके, और दूसरे तरह का पोल्यूशन होता है जो हमारा, या तो हम कह सकते हैं कि जो हम डायरेक्टली गंगा में जो है वेस्ट डाल रहे हैं, चाहे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं वो नहाते वक्त साबुन का इस्तेमाल करते हैं या पन्नी या आरती के जितना भी सामग्री होता है वो जाता है इसमें। तो आप देखेंगे लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि जितने भी धर्म स्थल हैं, जितनी भी जगह हैं, वहाँ पर आरतियाँ या लोगों का आना स्नान करना बंद हो गया है। तो डायरेक्ट जो कचरा जाता था वो जाना बंद हो गया, फिर इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो जो इंडस्ट्री का इफ्लुएंट जाता है वो कम हो गया है। तो ये कारण है जिस वजह से अभी पानी का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेटर हुई है। गंगा पर शोध करने वाले मानते हैं कि अब गंगा जल पहले के मुकाबले 50% शुद्ध हो गया है। गंगा जल सभी पैमानों के अनुरूप नजर आता है, लेकिन इन सब के बाद हमने गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से भी प्रमाणिकता के तथ्यों पर बात की, जिसमें आधिकारिक पुष्टि में बताया गया कि अब गंगा का जो जल मार्च माह में बी श्रेणी में आता था अब ए श्रेणी में हो गया है। इसके पीछे लॉकडाउन की वजह सबसे बड़ी मानी गई। गंगा नदी का प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश में लगातार जो है गंगा की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम मार्च के महीने के डेटा से कंपेयर करें कि मार्च में गंगा की क्या गुणवत्ता थी गंगा के पानी की, और अब लॉकडाउन के टाइम पर क्या स्थिति है, तो हमें अगर मैं पर्टिकुलरली हर की पौड़ी की बात करूं, हर की पौड़ी में एक बीओडी एक टर्म होता है जो पोल्यूशन का लेवल दिखाता है, उसकी मात्रा में 20% की कमी पाई गई। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हम उनको टोटल कोलीफॉर्म और फिकल कोलीफॉर्म कहते हैं, फिकल कोलीफॉर्म में 34% की कमी पाई गई और टोटल कोलीफॉर्म में 17% की कमी पाई गई। और अगर हम मार्च के कंपैरिजन में हर की पौड़ी की अगर हम कंपैरिजन करें, मार्च में हमको बी क्लास का पानी मिलता था। बी क्लास का ये मतलब हुआ कि वो पानी नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर जो हमने मॉनिटरिंग किया इसमें हमें ए क्वालिटी का पानी मिला है। इसका ये मतलब है, ए क्वालिटी का मतलब है कि पानी पीने योग्य है क्लोरिनेशन के पश्चात। अगर हम क्लोरिनेशन करें तो वो पानी को हम पी सकते हैं। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह, जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहाँ किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर।
तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। वहीं इस स्वच्छता के पीछे गंगा के घाटों पर इंसानों का ना जाना, फैक्ट्रियों का बंद होना, मंदिरों, आश्रम, होटल्स का बंद होना भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। उधर गंगा से जीवन यापन करने वाले तमाम लोगों के साथ गंगा सभा तीर्थ पुरोहित समाज भी गंगा के स्वरूप को देखकर खुश है। उनका मानना है कि गंगा का इस तरह का स्वरूप आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। मेरा अनुरोध सिर्फ आपके माध्यम से इतना कहना है कि गंगा का जो स्वरूप हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रमापे लिप्यति। अर्थात जो भी कृत्य आपने पाप कर्म किए हैं तीर्थ में आकर समाप्त हो जाते हैं, और तीर्थ में आकर अगर आप कोई भी कृत्य करते हैं तो वज्र के समान होते हैं। जन्मों जन्म कितने भी पुण्य कर दीजिए समाप्त नहीं हो पाते। उसका कारण यही है कि हर की पौड़ी ही नहीं, गंगा के तटों पर श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी प्रयोग करी हुई वस्तुएं छोड़ते हैं, खाद्य पदार्थ छोड़ते हैं, यहाँ तक कि सोने उपड़े हुए घाटों पर मल मूत्र इत्यादि ताकते हैं, और साथ ही जो उद्योगों के माध्यम से गंगा के अंदर रासायनिक उत्पाद इत्यादि जा रहे हैं वो बहुत बड़ा कारण होता है गंगा की धौली होने का, मैला होने का और कहीं ना कहीं गंदा होने का। गंगा तो अपवित्र को भी पवित्र करती है। गंगा गंगेति यो ब्रियात योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। तो गंगा की महिमा तो ये है कि अगर सैकड़ों योजन दूर भी व्यक्ति घर में बैठा हुआ अंतःकरण में गंगा का प्रादुर्भाव हो तो वही जो स्नान का फल प्राप्त होता है जीव को, वही फल प्राप्त होता है। अब अंतर क्या है कि अगर आप यही देखें हरिद्वार में ही तो जितनी इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ बनी हुई खुली हैं, कोई पूछे कि उनका जो जल है, जो डिस्ट्रॉय जल है, जो प्रदूषित जल है, वो कहाँ जा रहा है? या तो वो जमीन के अंदर जा रहा है या गंगा के जाया जा रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी ओर वो एक जो है दिशा दे और वो मानक उन फैक्ट्रियों पर अंकुश किया जाए। मैंने पूर्व में भी कहा था जब गंगा एक्शन प्लान के लोग हरिद्वार में आए थे, आप जहां से आपके प्रोजेक्ट प्रारंभ है उससे ऊपर आप एक गंगा का बाईपास बना दीजिए, जैसे आपने सड़कों के बाईपास बनाए हैं, तो उससे क्या होगा, ऊर्जा का भी आपका ऊर्जा का भी विकास होगा और गंगा की जो निर्मलता है वो भी निरंतर बनी रहेगी। उत्तराखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक बहती गंगा 2500 किलोमीटर की दूरी में 29 बड़े शहर, 48 कस्बे और 23 बड़े छोटे शहरों के बीच से निकलती गंगा में औद्योगिक इकाइयों का गंदा पानी, साथ ही गंगा घाटों किनारे पर जनता की ओर से डाले जाने वाला कचरा गंगा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण रहा है। लेकिन समय, इतिहास और तवारीख के गवाह हैं कि जब इंसान खुदगर्जी से बाज नहीं आता तो कुदरत खुद ही अपने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए बड़े फैसले लेती है। गंगा पर शोध करने वाले हों, श्रद्धालु हों या फिर एक्सपर्ट्स हों, वो सब मानते हैं कि पहले के मुकाबले अब मां गंगा का पानी 50% तक शुद्ध हुआ है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड से लेकर कोलकाता तक गंगा घाटों पे करोड़ों लोगों की जो भीड़ जुटा करती थी वो भीड़ अब नजर नहीं आती लॉकडाउन के चलते। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि उत्तराखंड से लेकर कोलकाता तक जितने भी उद्योग हैं वो बंद हैं, क्योंकि उद्योगों का पानी नालों के जरिए गंगा में मिला करता था जिससे गंगा प्रदूषित होती थी। लेकिन अब मां गंगा पहले के मुकाबले शुद्ध नजर आती हैं। तो आप भी प्रण करिए और हम भी प्रण करते हैं कि अब मां गंगा को हम प्रदूषित नहीं होने देंगे। तो इसी प्रण के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय गंगे मैया।